पंडित जी, एक नाम मेरे मुंह से निकला था, हीर, हरमन की हीर। मेरे किन्नर को जन्म दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किधर मेरी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो, जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी कोई दुश्मन हूँ। आई एम सॉरी जो मैं आपकी बेटी बनकर पैदा हुई। वो क्या बकवास कर रही तू, दिमाग खराब हो गया तेरा? किसने बताया तुझे? किसी का फोन आया था, वो दादू की गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, वो मनावाला मार्केट रोड के पास। चलिए चलिए, आइए आइए आइए। ये क्या हो गया? मेरे दादा दादी भाई बहन सब इस गाड़ी में थे, क्या हो गया? हाँ, कोई बताएगा? अच्छाई हॉस्पिटल में नहीं है वो। अरे आप लोग मेरी पूरी बात तो सुनिए, जब गाड़ी ब्लास्ट हुई तो गाड़ी में कोई नहीं था, खाली गाड़ी खड़ी थी यहाँ। खाली गाड़ी थी मतलब? मतलब कि गाड़ी में कोई नहीं था। वो तो फिर कहाँ गए? माँ का फोन, सो माँ का फोन, फोन उठा, फोन उठा, स्पीकर में डाल, स्पीकर में डाल। चौहान, चन्ना, वो हमारी गाड़ी में बॉम्ब फटा, तुझे खबर मिली ना? अरे ना 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 पुत्र, रोना नहीं तो बिल्कुल ना रोना। हम सब ठीक हैं, एकदम फिट। मैं हूं ना, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हरक जी ने बताया, उन्हें फोन आया था कि तुम सब बहुत परेशान हो रहे हो। ठीक है, फिट है एकदम, ले हीर से बात कर। हेलो सोहम, तुम बिल्कुल तो टेंशन मत लेना, हम सब लोग ठीक हैं। पता है अगर थोड़ी देर भी हम लोग और होते ना उस कार में, तो हम में से कोई भी नहीं बचता। वो तो अच्छा हुआ पीतो को इंट्यूशन हुआ और हम सब कार से बाहर निकल गए। घर से निकलते हुए सोहम ने ऐसा क्यों कहा? जश्न की तैयारी करेगा।
रोहन गाड़ी रोक, रोहन गाड़ी रोक, गाड़ी रोक अभी जल्दी, गाड़ी रोक। क्या हुआ नानी? मैं बताती हूँ, तू पहले गाड़ी रोक, जल्दी रोक। नहीं तो एक मिनट लेट हो जाएगा एग्जाम के लिए। कुछ कुछ लेट नहीं होगा, कुछ लेट नहीं होगा, गाड़ी रोक, जल्दी रोक, जल्दी रोक। नानी लेट हो जाएगी मैं। नहीं होगा रोक। और लेकिन होया कि गाड़ी रोक, मैं बताती हूँ, गाड़ी रोक। ठीक है ओके, जल्दी रोक, रोक दो, गाड़ी से उतरो, जल्दी उतरो, अभी उतरो। ठीक है निकलो, बाहर निकलो, सारे बाहर निकलो, अभी गाड़ी से उतर, उतर उतर उतर। होया की दसेंगी, जल्दी सब उतरो, जल्दी उतरो। क्यों होया? एक मिनट में शांत। क्या हुआ? सोहम को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है सोहम को, कुछ नहीं हुआ है। हम जब घर से निकल रहे थे तो सोहम ने हैप्पी जर्नी कहा था ना, बस इसी की वजह से हम बच गए। ये ब्लास्ट कुछ हाँ सब ठीक है। रोहन टैक्सी बुला, चलो चलो चलो। एक मिनट, चल अब रखती हूँ। हम सब हीर को एग्जाम दिलाते, जल्दी वापस आते हैं। हाँ अच्छा सुन, तू वो तैयारी करके रखने वाला था ना सेलिब्रेशन की, कर। हम सी यू। माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सबको बचा लिया। इंस्पेक्टर साहब,
मेरी माँ की सिर्फ नजर ही नहीं, दिमाग भी ना बिजली की तरह तेज है, समझा? और सोहम, तूने मेरी माँ को अपना गुरु तो बना लिया, कम से कम उन्हीं से पूछ के ताई जी के ऊपर होमवर्क तो कर लेता थोड़ा। और वैसे भी ना, अगर गुरु ही लालची और मक्कार हो ना, तो टीम कभी जीत ही नहीं सकती। सिंधु, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? नौटंकी कहीं की? देखो इसकी नौटंकी, देखो जरा, क्यों? तू भी तो हीर से नफरत करती थी, अब क्या हुआ? हाँ, मुझे नफरत है, लेकिन इतनी नफरत भी नहीं है कि कोई उसकी जान ले ले और मैं चुप रहूं। ये उसकी बदकिस्मती है कि वो किन्नर पैदा हुई है, उसका फल वो भुगत रही है ना। लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू ये बात याद रख, सोचो। फिराट, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया है ना, तो तुम हम भी कभी वापस जाओगे और झरना से शादी कर लोगे, मेरी कसम है विराट। मैं इसे टॉस करूंगी, अगर हेड्स आया तो मेरा फैसला सही, और अगर टेल्स आया तो तुम्हारा। विराट, नीचे पगड़ी वाले आए हैं, आपको बुला रहे। पगड़ी के बाद शादी की रस्में भी जल्द शुरू होंगी। भाभी, मुझे झरना से ही शादी करनी होगी। हीर का तो यही फैसला है विराट, और शायद आप दोनों की किस्मत का भी। ये शादी ना करके आप हीर से दोस्ती तो नहीं तोड़ना चाहते ना? चल। चलिए। La 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 la
सोना लग रहा है। Here, I love you. मुझे झरना से नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। ठीक नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, कर लो ना मुझसे शादी, एक बार सोच लो, आखिरी बार। This is so dreamy. मैं आज बहुत खुश हूँ। पर ठीक हो गए ना बच्चे? ये तो चंगी आ चलने आ ब्रीद चल। सुनीप, पंडित जी अभी तक आए नहीं है, इस तरह उन्होंने पहले कभी देर नहीं की। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप जरा फोन करके देखिए ना वो कहाँ पहुंचे हैं। हेलो पंडित जी। बस बस संत बख्श जी, रास्ते में हूँ, गाड़ी में थोड़ी खराबी आ गई थी, पहुँचता हूँ थोड़ी देर से। चलिए चलिए जल्दी आइएगा, वो पंडित जी की गाड़ी खराब हो गई थी, जल्दी पहुँच जाएंगे। माँ, डैड, मेरी शादी झरना से होने वाली है, तो किस्मत में उन्हीं भगवानों ने लिखा है ना जिन्हें पंडित मंत्र पढ़ के खुश करेंगे, तो क्यों ना हम पूजा तो शुरू करें, फेरे कर लेंगे, पंडित जी आ जाएंगे। विराट, इतनी जल्दी शादी की, काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा ना हो नहीं सकता। ठीक है तो थोड़ा इंतजार करो। विराट, पंडित जी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वाओ विराट, मुझे नहीं पता था कि तुम उतने ही एक्साइटेड हो जितनी मैं हूँ। अच्छा लगा जानकर। मुबारक हो संत बख्श जी, बेटे की शादी मुबारक हो। खुश
खुश रहो, सुखी रहो। लेकिन शादी की खुशी और सुख के लिए तो प्यार होना लाजमी है ना। दुआ करूंगी कि भगवान आपको सच्चे प्यार की गहराई के मायने सिखा दे। संत बख्श सिंह जी, परिवार में आखिरी लड़के की शादी? भाई देखो, नेग हम बहुत ज्यादा लेके जाएंगे। हाँ तो लाओ हमारा नेग। जरूर। माँ मैं यही बाहर हूँ, पंडित जी आएंगे तो एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। विराट की शादी शुरू हो चुकी होगी। हीर, हमारा बार बार मिलना माता रानी का ही फैसला है, वरना तुम खुद सोचो हम हर मोड़ पर क्यों बार बार टकरा जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये फैसला माता रानी का है तो ठीक है, माता रानी को ही हमारा फैसला करने दो। विराट, मैं इसे टॉस करूंगी। अगर हेड्स आया तो मेरा फैसला सही, और अगर टेल्स आया तो तुम्हारा। वो तो अपने फैसले को सही मानकर बैठी, लेकिन मैं कैसे मानूं? अगर हेड्स आया तो मेरा हीर से शादी करने का फैसला सही, और अगर टेल जाए मुझे झरना से शादी कर लेनी चाहिए। विराट की शादी हो गई होगी, अब तू ठीक है ना? चले।
माँ आप रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ, रो क्यों रहे हो?